फिर से हमें करना है समान उत्पत्ति की कोशिकाओं का समूह सामान्यतः समान कार्य करता है एक पादप काय में सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है स्थायी कोशिकाएं कार्य में समान लेकिन संरचना में भिन्न होती है या उपरोक्त में से कोई भी नहीं तो ध्यान दीजिएगा सही कथन कौन सा है तो कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनका जो उद्भव होता है एक ही बार में होता है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्या साथी हो कि समान जो है उत्पत्ति की कोशिकाओं का समूह सामान्यतः समान कार्य करता है क्या होगा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपको नोट करना है चलिए आगे चलते हैं देखते हैं कि पादप का पादप का विशेष क्षेत्र क्या है पादप का विशेष क्षेत्र जहाँ सक्रिय कोशिका विभाजन होता है क्या कहलाता है उतक अंग विभोज्य उपयुक्त सभी तो पौधे में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय जो है कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्र की तरह सीमित रहता है तो ध्यान दीजिएगा आपका उपयुक्त सभी राइट आंसर नहीं होगा विभोज्यूतक आपका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा विभोज्यूतक और इस क्षेत्र को हम लोग विभोज्यूतक ही कहते हैं यह हमें ध्यान रखना है और पौधे में विभिन्न प्रकार के विभोज्यूतक पाए जाते हैं ठीक है बच्चा चलिए आगे चलते हैं बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए शीर्ष विभोज्यो तक जो है उपस्थित होते हैं अब शीर्ष विभोज्यो तक कहाँ उपस्थित होते हैं ये क्वेश्चन में बोला गया है तो जो विभोज्योतक मूल में साथियों मूल है तने और पार्श्व भाग में उपस्थित होते हैं आपको ध्यान रखना है क्या आंसर हो जाएगा ए मूल शीर्ष और तना शीर्ष ये बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ठीक है चीजें समझ में आ रही है आगे चलते हैं यहाँ पर आपको बताना है कि जो है खाली स्थान पर क्या क्या मौजूद है क्या क्या आने वाला है मूल शीर्ष विभोज्यूतक मूल खाली स्थान में होता है जबकि तना शीर्ष विभोज्यूतक बी शीर्ष के सबसे दूरस्थ भाग में होता है अब देखिए मूल विभोज्योतक जो मूल होता है वह शीर्ष भाग में होता है कहा होता है साथियों शीर्ष भाग में मौजूद होता है और ध्यान रखना है कि शीर्ष विभोज्योतक जो है तना में उपस्थित होता है तो बी में आएगा आपका तना क्या तना आएगा साथियों तनाएगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा आगे देखिए कली का उत्पन्न करती है कली का उत्पन्न करती है देखिएगा विभोज्यू तक या फिर बात करते हैं तना शीर्ष विभोज्यूतक मूल शीर्ष विभोज्यू तक या फिर आपका द्वित्यक विभोज्यूतक तो आपको ध्यान रखना है करेक्ट आंसर होगा तना शीर्ष विभोज्यूतक क्या होगा बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्या है तना शीर्ष विभोज्यूतक ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएँ जो है प्ररोह शीर्ष विभोज्युतक से पीछे की तरह कार्य करती है ओके जिसे तना शीर्ष विभोज्यु तक कहते हैं देखिए अंतर्वेशी विभज्यों तक की बात करें मैरिस्टि ठीक है मैरिस्टिम किसके मध्य पाया जाता है स्थायी परिपक्व तक शीर्ष मूल विभोजियों तक पारसी विभज्यों तक या फिर दो जो है पर्व विभोजी तक क्या आंसर बन पाएगा तो जब विभ ज्योतक स्थायी कोशिका स्थाई उतकों के मध्य होता है तो उसे अंतर विषय ज्योतक कहते हैं और साथियों ध्यान देना है कि यह घास होती है क्या होती है यह घास होती है और यह शाकाहारी द्वारा पुनर्जीवित भी हो जाती है तो इस स्थाई उतक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है आगे आते हैं नेक्स्ट पर देखिए क्या है बोला गया है कि प्राथमिक उपज्योतक है प्राथमिक विभज्योतक है शीर्ष विभज्यूतक है अंतर्वेशी उपज्यूतक है पार्सी उपज्यूतक है या ए या बी दोनों ही है तो शीर्ष विभज्यूतक तथा अंतर्वेशी विभज्यूतक दोनों ही क्या होते हैं प्राथमिक विभज्योतक होते हैं कैसे उपज्यूतक होते हैं या प्राथमिक विभज्योतक कौन कौन से है तो आपका शीर्ष विभज्यूतक और साथ में अंतर्वेशी उपज्यूतक तो क्या राइट आंसर हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा क्योंकि पौधे की जो आपकी प्रारंभिक अवस्था होती है ना क्या साथियों पौधे की प्रारंभिक अवस्था जो होती है हमें ध्यान रखना है जो है आ, यह जो है आ, इसके साथ ही यह कार्य करती है आगे देखिए नेक्स्ट की बात करते हैं बोला गया है कि पत्तियों के अक्ष में पत्तियों के अक्ष में एक शाखा या एक पुष्प की विकसित होने की क्रिया क्या है आपका कक्षीय का शीर्ष का शीर्ष विभोज्योतक या फिर आपका ऊतक होगा तो ध्यान दीजिएगा राइट आंसर की बात करें हम लोग कक्षीय कली का इसका करेक्ट आंसर करने वाले हैं क्या होगा कक्षीय कली का अगर आपने लगाया है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और डेफिनेटली आपने राइट आंसर लगा पाया है चलिए बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है देखिए ध्यान दीजिएगा बोला गया है कि शीर्ष से विभोज्यो तक और अंतर्वेशी विभोज्यू प्राथमिक विभोज्यो कहलाते हैं शीर्ष विभज्यो तक और अंतर्वेशी विभज्यो तक प्राथमिक विभज्योतक कहलाते हैं क्यों कहलाते हैं रीजन आपको बताना है ये पादप में पहले दिखाई देने वाले देने लगते हैं और प्राथमिक जो है पादप काय बनाने में योगदान देते हैं ये द्वितीयक उतक बनाते हैं ये संपूर्ण पादप काय बनाते हैं उपयुक्त सभी होगा क्या राइट आंसर देखिए जो शीर्ष विभज्योतक जो होता है साथियों जो शीर्ष विभज्योतक होता है और अंतर्वेषी विभज्य होते होता है ये दोनों ही आपको पता है प्राथमिक विभज्योतक होते हैं कैसे उतक होते सर जी प्राथमिक विभज्योतक दूसरे को जो है जो पहले क्वेश्चन था उसका जो है आंसर सेकेंड क्वेश्चन में आपको मिल चुका है अब ये क्यों है आपको यह बोला गया है तो ये पादप में पहले दिखाई देने वाले प्राथमिक पादप काय बनाने में योगदान करते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा क्या ये आंसर हो जाएगा क्या ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है आगे देखिएगा बोला गया है कि घास काटने के पश्चात निम्न में से किसके कारण वृद्धि जो है करती है घास काटने के पश्चात जो है निम्न में से किस किसके कारण वृद्धि रहती है या करती है प्राथमिक और अंतर्विशी। तो साथियों आप सभी लोग नोट कर पाएंगे अंतर्विशी क्या होगा अंतर्वेशी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है चलिए आगे देखिए अच्छा क्वेश्चन है क्या है जरा ध्यान दीजिएगा विभोत जो कि आपका विशेषतः तना तथा मूल के परिपक्व क्षेत्र में उपस्थित होते हैं तथा काष्टीय अक्ष कक्ष का निर्माण करते हैं और प्राथमिक विभज्योतक के बाद दिखाई देते हैं क्या कहलाते हैं आपका द्वितीय विभज्यो तक अंतर्वेशी विभोज्यो तक शीर्ष विभज्यो तक या फिर आपका तृतीय विभोजी ऊतक तो क्या आंसर होने वाला है तो साथियों नोट कर लीजिएगा करेक्ट आंसर की बात करें ऊतक जो बहुत सारे पौधे के मूल तथा प्ररोह जो है कि परिपक्व क्षेत्र में पाया जाता है वो होगा आपका द्वितीय विभोज जीव तक क्या कहलाता है ये डेफिनेशन आप पूछा गया है साथियों डायरेक्टली इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको नीट में देखने को मिलने वाले हैं कहाँ साती हो नीट में पी एन में तो छोटे क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन है अभी जो आएंगे देखिए इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो सभी लेवल को मैं आ, साथ में लेके चल रहा हूँ समझ रहे आप लोग सभी लेवल को साथ में ये छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके जो है किसमें पी और आपके वेटनरी में ए नंबर द्वितीयक विभजुतक का उदाहरण है द्वितीयक विभज्यूतक का उदाहरण है तो देखिए अंतरा अंतरा पुलीय अदा अंतरा जो है अंतर पुलीय एधा या फिर होगा कारक या उपरोक्त सभी होने वाला है तो ध्यान दीजिएगा पुली अदा अंतरपुली अथा आप कार के ये द्वितयक और पारसी विभोजयु तक के उदाहरण है एक तो किसके द्वितय और आपके पार्स ओके okay, तो उपरोक्त तो सभी राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा उपरोक्त तो सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगे चलते हैं ध्यान दीजिएगा बोला है कि कौन से विभोजयु तक कौन सी उपज्यो तक द्वितीय उत्तकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं प्राथमिक उपज्यों तक मूल विभोज मूल शीर्ष उपज्यू तक तना शीर्ष उपज्यों तक या फिर आपका द्वितीयक विभोज तक क्या आंसर हो सकता है तो साथियों नोट करना अगर आपने आंसर चूज किया है क्या साथियों द्वितीयक विभोज तक ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा और करेक्ट आंसर होगा सभी ने सही कर पाया होगा स्थायी तथा परिपक्व कोशिकाएं जो है बनती है स्थायी तथा परिपक्व कोशिकाएं बनती हैं प्राथमिक विभोज्योतक के कोशिका विभाजन द्वारा द्वितीय विभोज्योतक के में जो है कोशिका विभाजन द्वारा विकल्प ए बी दोनों में ही द्वितीय विभोज्योतक के से आपका विशेषीकरण के द्वारा देखिए प्रथम व द्वितीय विभोज्यूतक दोनों जो है विभोज्यूतकों में कोशिका विभाजन के बाद ही नई नई कोशिकाएं बनती है और आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक विभाज्योतक में कोशिका विभाजन के द्वारा साथ ही उद्यूतक कोशिका विभाजन के द्वारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा आपको नोट करना है अच्छा क्वेश्चन है बेहतरीन सा क्वेश्चन है शानदार सा क्वेश्चन है सी आंसर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है बोला है, है कि प्राथमिक पादप काय के बनने के दौरान शीर्ष विभाज्योतक के विशिष्ट क्षेत्र उत्पन्न करते हैं आपका त्वचीय उतक या फिर आपका भरण उतक संवहन उतक या उपयुक्त तो सभी होने वाला है तो ध्यान रखना है कि पौधे की प्राथमिक काय बनाने के लिए पौधे को प्राथमिक काय बनाने के लिए शीर्ष विभोज्यो तक ठीक है बच्चा सिर शीर्ष विभोज को विशिष्ट क्षेत्र जैसे कि आपका त्वची आपका जो है भरण उतक आपका संवहन उतक ये उपयुक्त तो सभी जो है क्षेत्र उत्पन्न करना पड़ता है इसमें अपना योगदान देना पड़ता है क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा देखिए नेक्स्ट की बात करें बोला है कि कोशिका विभाजन की जो है ऊर्जा रहित कोशिका किसके द्वारा आप बनती है प्राथमिक विभोजी तक मूल एधा, कार्क एधा या आ, ये सभी तो स्थायी उतक की कोशिकाओं में जो आपका विभाजन की क्षमता हो क्षमता क्या है इसमें नहीं पाई जाती है तो ध्यान दीजिएगा उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा प्राथमिक तक एधा और एधा सभी हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट की बात करें बोला गया है कि निम्न में से सही कथन का चुनाव आपको करना है क्या है निम्न में से सही कथन का चुनाव आपको करना है सामान्यतः स्थाई जो है उत्को की कोशिका जो है विभाजित नहीं होती है स्थायी उतक जिनकी संरचना और कार्य समान होते हैं वे साधारण सरल उतक जो है बनाते हैं स्थाई उतक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है जटिल उतक बनाते हैं और ध्यान रखना है उपयुक्त सभी क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो साथियों नोट करना है आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा ये आपको ध्यान रखना है सभी करेक्ट है यहाँ पर क्या है सारे के सारे करेक्ट आंसर हैं ये ध्यान देना है आगे चलते हैं अच्छा क्वेश्चन है सरल स्थाई जीवित उतक जो कि आपका पतली भित्ती वाली समान व्यास की कोशिकाओं से बने होते हैं क्या कहलाते हैं मृदु तक स्थूल उतक और आपका मृदु तक या फिर आपका विभोज जीव बताइए तो ध्यान देना है स्थूल जो उतक है क्या साथियों जो आपका जो स्थूल उतक है तो स्थूल उतक ध्यान रखना है आप लोगों को जो है यह अंगों के भीतर प्रमुख घटना बनाता है और मृदु तक की कोशिकाओं को पतली भित्ती वाली तथा आपका समन्वयी बनाता है तो यहाँ पर क्या बोला है सरल जीवित कोशिका पतली भित्ति यहाँ पर इसने बोला है कि यह क्या करता है पतली भित्ति बनाता है तो मृदु तक उतक है ठीक है क्या है मृदु तक उतक वहाँ यही इस आपका सेंसर होगा कोलेन कायमा जो है इसका राइट आंसर नहीं होगा पेरेन कायमा इसका करेक्ट आंसर होगा आगे देखिए बोला गया है अगला क्वेश्चन बोला गया है ज़रा ध्यान दीजिएगा कि सरल उतक जो कि आपका द्विबीज पत्री पादपों में बाह्य त्वचा के नीचे कुछ परते जो है बनाते हैं क्या कहलाते हैं तो पैरन कायमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है क्या होगा पैरन कायमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सॉरी पैरन कायमा की बात करें तो यह जो होता है क्या साथियों दु बीज बाहे के नीचे कुछ परतों बनाते हैं जिसे हम लोग स्थूल उतक कहते हैं स्थूल उतक कहते हैं साथियों ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्या आपको ध्यान रखना है ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते देखिए स्थूल उतक जिसे हम लोग क्या कहते हैं कोयले कायमा की कोशिका किसके एक बीजपत्री होने के कारण किनारों से मोटी होती है स्थूलकण उतक की कोशिकाएं किसके जो है एक एकत्रित एक करने की कारण किनारों से मोटी होती है सेलुलोज हेमी सेलुलोज या फिर आपका पैक्टीन या फिर उपयुक्त सभी तो स्थूल उतक इसका करेक्ट आंसर जो है क्या साथियों कोलेन कोलिन से रिलेटेड ये क्वेश्चन बोला है तो आपका सेलुलोज भी सही है सेलुलोज भी सही है और आपका पैकेटिंग भी सही है तो उपयुक्त तो सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा उपयुक्त तो सभी आपका राइट आंसर है द्रोड़ तक की बात करें ठीक है द्रोड़ तक तंतु बनाते हैं मोटी जो है भित्ति वाले दीर्घ व्रति आपका दीर्घ व्रत नुकीली कोशिकाएं या यह उपयुक्त तो सभी होने वाला है तो ध्यान दीजिएगा राइट right आंसर की बात करें तो जो आपका स्कल कायमा है ठीक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं द्रढ़ तक यह जो है तंतु और दृढ़ कोशिका दोनों ही प्रकार की बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा मोटी पतली वाले दीर्घवृत्तीय व्रंथ और नुकीली कोशिकाएं डी आंसर करेक्ट होने वाला है और डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है आप लोगों का आगे देखिएगा दृढ़ो तक मुख्यतः जो है प्रदान करता है पादपों के संग्रहण उतक पादपों के जो है अंगों को यांत्रिक सहारा पादपों को जो है स्त्रावी उतक और एक बीज पत्री पादपों को मजबूती मुख्यतः इसकी जो है आयत मात्रा में क्या आंसर हो जाएगा साथियों बताइए जरा तो नोट करना चीज़ों को करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर होगा पादपों के अंगों को जो है यांत्रिक सहारा प्रदान करते कौन से द्रडुतक द्रडतक ठीक है जिसे हम लोग स्क्लेरना कायमा करते हैं ओके चलिए आइए जरा आगे ध्यान दीजिएगा बोला गया कि वाहिनी की वाहिनी की।, की वाही की अवयवों से भिन्न है कैस्पेरियन पट्टी का जो है रखने में छिद्रित होने में केंद्रक जो है आपकी विहीनता में या फिर होगा आपका लिग्नीकृत होने में क्या आंसर है बताइए जरा देखिए साथियों सारे साथी ध्यान दीजिएगा वाहिनी की ठीक है वह वाही का दोनों जो है क्या होते हैं आपका सवहनी तत्व होते हैं कैसे होते हैं आपके सवहनी तत्व होते हैं तो ध्यान दीजिएगा बी आंसर इसका करेक्ट होगा छिद्रित होने पर क्या है साथियों बी आंसर करेक्ट है यह आपको नोट करना है गुब्बारों के आकार की संरचना टॉयलेज ठीक कहला है कहलाती है उपरोक्त में से कौन जो है उपरोक्त में से कौन सा कथन के बारे में सही है सही हमें चूज़ करके यहाँ पर बताना है तो ध्यान दीजिएगा टॉयलेज की बात करें ठीक है किसके टॉयलेज की बात करें तो यह संरचनाएं एक द्वि तने के काष्टी ऊतक जिसे हम लोग ऊट टिशूस में पाई जाती है ये ध्यान रखना है कौन से आपके जो उड टिश्यूज में पाई जाती है तो राइट आंसर की बात करें जायलम मृदुता कोशिकाओं का सवहनी में विस्तार बिल्कुल सी आंसर करेक्ट है आगे आइएगा बोला है कि क्या बोला है इसने बोला है गलत कथन कौन सा है पुष्पी पादपों में मुख्य जल स्थानांतरण करने वाली अवयववाहिनी काय तथा वाहिका अनावृत बीजीओ का विशिष्ट लक्षण जिसे हम लोग क्या कहते हैं जाइलम तंतु बी आंसर करेक्ट होगा क्या जी हां साथियों क्या है बी ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है क्या राइट आंसर है बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है नोट करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आगे देखिए बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तने में प्रोटोजाइमा या प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम क्रमशः जो है पिथ तथा परिधि की ओर होते हैं मूल में प्रोटोजाइलम तथा मेटाजाइलम क्रमशः परिधि तथा जो है पित की ओर होते हैं ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं तो जी साथियों तने में जो आपका प्रोटोजाइलम जो और केंद्र जो है यह जो है साथियों मेटाजाइलम परिधि की ओर होते हैं आपका सी आंसर जो ए है और बी है दोनों ही करेक्ट हैं चीज़ों को शेयर भी करना है साथियों अगर आपने वीडियो देख लिया है पूरा पूरा वीडियो देखने के बाद शेयर जरूर करिए एक बार ताकि आपके भाई बंधु भी इसे देख पाए पूर्ण तरीके से समझ पाए गलत कथन हमें छाट करके अलग करना है फ्लोयम जो है खाद्य पदार्थों को सामान्यतया पत्तियों से पादप के अन्य भाग में ले जाता है अनावरत पीजे में फ्लोयम आपका छलनी नलिका अवयव सहचर कोशिकाएं फ्लोयम परिणकायम तथा फ्लोयम तंतु से बनाता है ठीक है दोनों ही करेक्ट है ये ध्यान रखना है ठीक है आगे देखिए चलनी नलिकाऊ का कार्य चलनी जो है नलिका कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य द्वारा क्या करता है नियंत्रित करता है जी हाँ साथियों सी बिल्कुल गलत है सी बिल्कुल गलत है गलत कथन हमें छाँट करके अलग करना था सी बिल्कुल गलत होने वाला है ये आपको ध्यान रखना है चलिए आगे देखिएगा बोला गया है कि आपको द्वि पत्री तने तथा द्वि पत्री मूल का एक पुराना टुकड़ा दिया जाए निम्न में से किस शारीरिक संरचना को दोनों के जो है अंदर बनाने के लिए उपयोग में लाए जाएंगे द्विबीज पत्र आपका द्वितीय जाइलम आपका द्वितीय दु, फ्लोयम प्रोटोजाइलम या फिर आपका वलकुट कोशिका तो साथियों हम जो है द्वि बीज तने व जड़ को पहचानने के लिए प्रोटोजाइलम को देखेंगे किसके लिए प्रोटोजाइलम को देखेंगे तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका सी बन जाएगा क्या बन जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ये ध्यान रखना है सहचर कोशिकाओं के पास जो है संलग्न रहती है तो साथियों आप सभी के लिए ताकि मुझे भी पता चल सके कितना बच्चा यहाँ पर हमेशा लाइव और जो है वीडियो को तो देख पा रहा है एक क्वेश्चन आपको होमवर्क है इसका कमेंट्स बॉक्स में ए बी सी डी जो भी आंसर हो मुझे बताइएगा ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवा दूंगा और अभी थ्योरी की क्लास आपको नाइट में मिल जाएगी ठीक है साथियों थ्योरी की बायोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट हो रही है वो भी हैंड राइटिंग वाली हैंड राइटिंग नोट्स वाली क्लास आप सभी को मिल रही है तो साथियों इतना शानदार सा कंटेंट आपको सारा का सारा फ्री में प्रोवाइड हो रहा है जरूर एक बार जो है साथियों को शेयर करिएगा और चीज़ें अच्छी लगे लाइक like, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा जय हिंद वंदे मातरम